हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने द गन बॉस माफिया वाले बंदे से 20 मिलियन की डील करी थी। तो भाई, और यार अभी मुझे यार कोई कॉल आ रहा है, एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। ऑल राइट यार, मेरी यार उस बंदे से बात हो चुकी है और वो बंदा कोई और नहीं भाई, वो प्रेसिडेंट है। और यार उन्होंने यार अपने मेंशन पे हमें बुलाया। तो यार एक काम करते, जल्दी से यार अपनी फॉर्चुनर से चलते। ऑल राइट यार, अपनी गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हो भाई लॉस सैंटोस का ट्रैफिक। भाई अभी तो आज तो मतलब कि काफ़ी कम है, बट देखो भाई इन लोगों को भाई गाड़ियाँ चलाना तो नहीं आती भाई, सच में ही भाई। और यार देख सकते हो भाई क्या कट निकाला मैंने अपनी गाड़ी से। बट यार लॉस सैंटोस के वो प्रेसिडेंट यार उन्होंने अभी हमें इसी वक्त बुलाया भाई, मुझे तो भाई समझ भी नहीं आ रहा भाई ऐसा भी क्या हो गया। बट देखते भाई वहाँ पर चलकर पता करेंगे। ऑल राइट यार गाइस, यार मैंने यार अपनी फॉर्च्यूनर का भाई स्टन करते हुए भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई। ऑल राइट यार, अपन यार थोड़े टाइम में वहां पहुंच जाओ। ओ भाई साहब, भाई मैं अपनी गाड़ी यार काफी ज्यादा ड्रिफ्ट कर रही है वैसे तो, पर देख सकते हो भाई लो सेंटर्स का ट्रैफिक अभी तो। और भाई मेरी गाड़ी भाई क्रैश हो चुकी है भाई सामने से, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल राइट यार, यहाँ से जल्दी से निकलते क्योंकि भाई अपना जो प्रेसिडेंट हाउस है बस आने ही वाला है थोड़े टाइम। ऑल राइट, देख सकते हो भाई प्रेसिडेंट हाउस के यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और भाई अभी तो ये रास्ता है मतलब कि यार, बट यार देखो भाई एक बार सिक्योरिटी देखो भाई, मुझे साइड से होकर निकालना पड़ेगी यहाँ से। ऑल राइट यार, देखो भाई कितनी ज़्यादा पुलिस है भाई, मतलब कि प्रेसिडेंट सच में भाई बहुत ही बड़ा आदमी है। ऑल यार देखो भाई यहाँ पर भाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी, मतलब कि कोई बड़ी बात हुई यार अपने। बट हमें तो भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई, प्रेसिडेंट ने हमें बुलाया तो एक काम करते। और भाई इधर देखो भाई पुलिस ही पुलिस यार, मैं काम करता है अपनी गाड़ी को रिवर्स इधर ही पार्क करते थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस वाले बंदे भी आ चुके हैं और देख सकते हो भाई मिलिट्री बेस वाले बंदे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यार गाड़ियाँ देखो भाई कितनी ज़्यादा खड़ी हुई, मतलब कि कोई लफड़ा तो नहीं हो चुका है यहाँ पे, मुझे तो भाई समझ में ही नहीं आ रहा भाई। एक काम करते हो, मैं इस बंदे से पूछता हूँ यार। भाई इसने तो मेरे को कुछ कहा भी नहीं और चल दिया यहाँ से भाई, और इससे बात वगैरह करता हूँ मैं। ऑल राइट यार, मेरी यार इससे बात हो चुकी है और ये बंदा बोल रहा है कि प्रेसिडेंट सर तुम्हें आगे मिलेंगे। ऑल राइट यार, अपन को यहाँ से चलना चाहिए। और यार देखो भाई कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है भाई सच में भाई प्रेसिडेंट के यहाँ। ऑल राइट, यहाँ पे भाई कितने सारे बंदे खड़े। एक काम करता हूँ, इनसे मैं किससे बात करता हूँ भाई, सामने एक सिक्योरिटी इससे बात करता हूँ भाई, मैं तो पहचानता नहीं प्रेसिडेंट को, उनसे बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, मेरी यार इस बंदे से बात हो चुकी है, ये बोल रहा है कि ऊपर जो ये फोन चला रहे यही प्रेसिडेंट। भाई साहब मैं इनसे बात वगैरह करता हूँ जल्दी से। ऑल राइट, ये हमें बोल रहे कि मैंने तो तुम्हें माइकल ऐसे ही बुलाया, तुम यार तो सबसे ज़्यादा मस्त हो वैसे तो, और यार तुम एक डगन बोस को जानते हो क्या, ये मुझे बोल रही। बट मैंने इनको कहा हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, बट ये बोल रहे कि अच्छा खासा भाई उन्होंने मुझे हमें कुछ धमकियाँ वगैरह दी थी। बट देखो भाई प्रेसिडेंट हाउस, और यार ये बोल रहा कि तुम्हें अपनी मदद करना होगी। ऑल राइट यार, डगन बॉस के साथ तो मैंने यार डील की थी, बट देखो भाई बट हमें यार इनकी भी मदद कर देनी चाहिए। ऑल राइट यार, अभी तो इन्होंने बोला ठीक है माइकल तुम यहाँ से जा सकते हो, तो ठीक है अभी तो इन्होंने सिर्फ इतने से बात मुझे बताने के लिए बुलाया था भाई। ऑल राइट यार, यहाँ से निकलते हैं यार। और यार अपने यार मेलू मिशन चलते भाई सबसे पहले। भाई मुझे यार भाई काफ़ी टाइम हो चुका आपने मेलू मेंशन ना जाए हो, क्योंकि मैं तो यार अपनी फॉर्च्यूनर की ऑफरोडिंग के लिए आया हुआ था वैसे तो। बट यार मेरे को तो यार प्रेसिडेंट का कॉल आ गया तो मैं तो डायरेक्ट इधर आ गया। और भाई देखो भाई कितनी ज़्यादा भाई सिक्योरिटी तो भाई प्रेसिडेंट की यहाँ होती है भाई, सच में भाई बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी। भाई साहब एक बार भाई सिक्योरिटी देखो भाई, यहाँ पर भी बंदे खड़े हो मतलब कि इस ब्रिज की यहाँ पर भी, भाई साहब देख सकते हो भाई। और यार ये देखो भाई कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, सच में अमेजिंग यार काफ़ी। ऑल राइट यार, मेरे को अभी एक और कॉल आ रहा भाई, मैं उससे बात वगैरह करता हूँ। ऑल राइट यार, मेरी यार उस बंदे से बात हो चुकी है और वो बंदा कोई और नहीं है, डगन बॉस का फ्रेंड है। तो वो बोल रहा है कि तुमने डगन बॉस के साथ में तो डील करी थी और यार उसने हमें बुलाया कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो तुम एक काम करो कि मेरे मेंशन पे आ जाओ। ऑल राइट, हमें यार उसके मेंशन को चलना चाहिए। वैसे तो डगन बॉस ने हमें पहले ही बताया था उसके कोई फ्रेंड है मतलब कि लॉस सैंटोस के अंदर, तो भाई उसी के पास हमें जाना होगा वैसे तो। और यार उसने हमें अभी बुलाया वो भी समझ नहीं आया भाई, प्रेसिडेंट ने भी भाई हमें आज ही बुलाया था वो तो चीज़ समझ में नहीं आई। बट
देखो प्रेसिडेंट ने तो हमें कहा कि कोई उन्हें परेशान वगैरह कर रहा है तो इसीलिए वगैरह। बट देखो ऑल्ड राइडर, तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर। भाई साहब इधर ही अपना फ्रेंड डकन बॉस का हाउस, भाई साहब देख सकते हो। और यार तुम लोग देख सकते हो शायद से सामने की तरफ तुम्हें एक ब्रिज दिखाई देगा, उसी के पास में उसका हाउस है भाई साहब। और देख सकते हो मुझे सामने की तरफ एक ब्रिज दिखाई दे रहा भाई, उसी के पास में यार उसका हाउस है। और राइट यार देखो भाई लॉस सैंटोस का ट्रैफिक भाई हाईवे पे भाई कितना ज़्यादा होता है भाई कि भाई पूछो मत। और राइट यार मैं आ चुका हूँ अपनी फॉर्चुनर को लेकर भाई, हमें यार उसके पास जाना है। बट और राइट ये डगन उसका फ्रेंड भी शायद से यार बहुत ही ज़्यादा अमीर है भाई। एक बार गाड़ियाँ देखो यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा खड़ी हुई। और यार देखो यहाँ पर एक वाइट कलर की कार पड़ी है यहाँ पे। मैं काम करता हूँ इसी के पास में अपनी गाड़ी को लगा देते हैं जल्दी से। ओल राइट यार देखो भाई क्या ही शानदार ब्रिज लग रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एक काम करते जल्दी से चलते हैं यहाँ से। ओ भाई लोकेशन देखो भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग लोकेशन पे इसका फ्रेंड है भाई, हमें तो भाई इससे बात। एक काम करता हूँ ये बंदा कौन है, शायद से यार ये पौधों को पानी पिला रहा है। ओल राइट यार इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ से चलते हैं जल्दी से। और भाई ब्रिज देखो भाई कितना शानदार लोकेशन पे ब्रिज बना हुआ, और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे भी आए, मतलब कि ये बंदा तो शायद से कहीं और देख रहा है। ऑल राइट यार ये कोई दीदी है शायद जो यार कुछ पढ़ रहे। ऑल राइट यार बट लोकेशन यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है भाई। और वो भाई ये तो यहाँ पे शूट कर रहा है भाई, वीडियो शूट कर रहा है भाई देखो भाई। और यार काफ़ी शानदार सी लोकेशन है भाई। ऑल राइट यार हमें तो यार उस बंदे से मिलकर बात करना है वैसे तो, बट हमें उसने कुछ नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना है। ऑल राइट यार वैसे तो हम उनके मेंशन तो आ चुके हैं यहाँ पर। देखो भाई ये तो कोई रेस्टोरेंट है शायद, बस इसी के पास में हमें आने की बोला था, उसने लोकेशन तो यही की दी थी। बट इस रेस्टोरेंट के अंदर तो कोई बंदे वगैरह तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे अभी तक, तो कोई बंदे नहीं है। बट देखो भाई काफ़ी शानदार सी लोकेशन है भाई, भाई एक शिप भाई इसी में है वो बंदा जिसने हमें बुलाया यहाँ पे। ऑल राइट यार ये शिप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, बट ये लोकेशन भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग भाई सच में भाई। ऐसा हाउस यार अपना भी होना चाहिए भाई, मेलू मेंशन भी अच्छी लोकेशन, बट यार इससे बेस्ट नहीं है भाई साहब, क्या ही शानदार सी लोकेशन है। ऑल राइट यार मैं शिप के अंदर तो आ चुका हूँ, हमें वो बंदा मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, ऊपर चलकर देखते हैं जल्दी से। ऑल राइट मैं ऊपर आ चुका हूँ और यार यही वो बंदा भाई, यहाँ पर भी सिक्योरिटी लगी हुई है भाई। और राइट मैं इससे बात वगैरह करता हूँ, यही वो डकन उसका फ्रेंड है, तो यार मैं इससे बात वगैरह करता हूँ। ऑल राइट यार ये स्मोकिंग कर रहा है और ये हमें बोल रहा है कि इनका कोई प्रोजेक्ट है जिस पर हमें काम करना है। और ये बोल रहा है कि तुमने डगन बॉस के साथ में डील करी तो डगन बॉस को तुम काफ़ी पसंद आए, एक बार भाई उन्होंने अपने डील ले ली थी तो भाई ये बोल रहा है कि तुम्हें अपने साथ में प्रोजेक्ट करना होगा। बट ये बोल रहा है कि प्रोजेक्ट के बारे में मैं अभी तुम्हें नहीं बता पाऊँगा पूरा, तो बट एक प्रोजेक्ट है कि क्या तुम कर पाओगे। मैंने भाई मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यार इसके साथ में प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, बट ऑल राइट मुझे पसंद तो आई इसकी लोकेशन वगैरह भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बट और ये प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है कि एक से दो दिनों बाद ये हमें प्रोजेक्ट के बारे में, इसका कोई बंदा आएगा वो हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। ऑल राइट यार हमें तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही। ऑल राइट यार मैं इस बंदे से बात वगैरह करता हूँ यार। ऑल राइट यार मेरी ऐसे इस बंदे से डील हो चुकी है कि ये बंदा बोल रहा है कि ठीक है माइकल डन है तुम्हारा प्रोजेक्ट। ऑल राइट इसमें प्रोजेक्ट तो बताया नहीं, बट ये बोल रहा है कि एक से दो दिनों में तुम्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। ऑल राइट यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ऑल राइट यार देखो एक बार लोकेशन देखो यार तुम, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है भाई सच में भाई, काफ़ी अमेजिंग सी लोकेशन है। ऑल राइट यार भाई साहब यहाँ से निकलते भाई, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा भाई यहाँ से बाहर कैसे निकलो। बट यार पानी भाई साहब अलग ही चीज़ है भाई। ऑल राइट यार मैं भागते भागते इस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो। ऑल राइट यार यहाँ से जल्दी से निकलते भाई, यहाँ से निकलने मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से भाग कर निकलते भाई। लोकेशन देखो भाई कितनी ज़्यादा अमेजिंग भाई, अपना भी मेलू मेंशन भाई इसी लोकेशन पे होना चाहिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर यार अपने पास डील आती है भाई उसके बाद तो हम और भी मेंशन ले लेंगे। ऑल राइट यार मैं अपनी फॉर्चुनर के पास में आ चुका हूँ, तो यार जल्दी से यहाँ से निकलते। और देख सकते हो भाई क्लाउड आ चुके भाई, कितना ज़्यादा मौसम, थोड़ा सा यार शाम होने को आई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से निकलते हैं जल्दी से।
अपने मेलू मेंशा। तो भाई देख सकते हो यार अपनी जो डेल है वो भाई कंप्लीट हो चुकी है। और उस बंदे ने यार एक बात और हमें बताई थी कि उसका कोई शोरूम है तो उससे भी भाई विजिट कर लेना। तो भाई मैं उसी के यार शोरूम पे चलता हूँ। और यार हमें भाई एक सुपर कार सी लेना है भाई, काफ़ी टाइम हो चुका हमने तो भाई उस बंदे के साथ डील करी जिससे हमें $20 मिलियन मिले थे। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ जल्दी से यार अपने लिए कोई कार वगैरह देख लेते हैं उसी के शोरूम। और इसी का कोई शोरूम भी है यहीं पर। ऑल राइट मैं यार तो सोच रहा हूँ सबसे पहले उसके शोरूम चलते फिर चलेंगे अपने मेलू मेंशन। ऑल राइट यार देख सकते हो भाई लॉस एंजेलिस का ट्रैफिक तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है भाई आज। और भाई मौसम देखो भाई तुम लोग यार मौसम यार काफ़ी चेंज हो चुका है भाई। ये मौसम थोड़ा सही लग रहा है मेरे को तो। ऑल राइट यार यहाँ से निकलते और अपनी जो डील होने वाली वो बंदा भाई उसने बोला कि सिर्फ अपना नाम बता देना वहाँ पे, बाकी तो तुम्हें वो गाड़ियाँ वगैरह दिखाई देंगे। भाई हमें उनको भाई पैसे वगैरह तो भाई मैंने उसको दे ही दिए थे उस बंदे को, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो भाई उसकी गाड़ी से को लेकर यहाँ से निकलना होगा। बाकी यार एक बार यार गाड़ियाँ तो हमें विजिट करेंगी सारी, गाड़ियाँ कौन कौन सी होगी वहाँ पर। ऑल राइट यार ये देख सकते हो भाई क्या ही लोकेशन है भाई। और यार यही वो शोरूम है भाई, ये शोरूम थोड़ा सा छोटा है बट उसी का बंदे का है, तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, डायरेक्ट ही अपनी डील हो जाने वाली है। ऑल राइट यार तुम लोग देख सकते हो ये बंदा यहाँ पे, इससे मैं बात वगैरह करता हूँ। ऑल राइट यार मेरी यार इस बंदे से बात हो चुकी है और ये बंदा हमें बोल रहा है कि ठीक है माइकल तुम ही हो, वो माइकल हो तो एक काम करो देख लो तुम्हारे गाड़ियाँ तुम्हें कौन सी पसंद आती है। भाई मुझे तो यहाँ पे दो सुपर कार खड़ी है, एक काम करते भाई सुपर कार ही ले लेते हैं। भाई यहाँ पे देख सकते हो यार ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है। और भाई एक बार देखता हूँ मैं आपको इसका इंटीरियर, भाई इंटीरियर काफ़ी गजब सा है इसका इंटीरियर भाई, काफ़ी भाई दो ही सीटर होते हैं भाई सुपर कार में भाई, अलग ही चीज़ है। ऑल राइट मैं इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता हूँ, बट यार हमें उस बंदे से को बोलना पड़ेगा कि हमें ये गाड़ी बहुत पसंद आई तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ऑल राइट यार इस बंदे से बात वगैरह करता हूँ मैं जल्दी से। ऑल राइट यार मेरी यार इस बंदे से बात हो चुकी है और ठीक ही ये बोल रहा है कि ठीक है माइकल तुम इस गाड़ी को ले जाओ, बाकी ये अपनी जो फॉर्चुनर है इसको अपने मेलू मेंशन को भिजवा देगा। ऑल राइट यार देख सकते हो अभी तो भाई हमने प्रोजेक्ट भी नहीं किया उनका, बट देख सकते हो भाई गाड़ी तो हमें मिल चुकी है। यार ये सुपर कार तो काफ़ी अमेजिंग लग रही भाई, सच में काफ़ी अमेजिंग भाई, एक बार चलाने की फील भाई अलग ही चीज़ होती है भाई इस गाड़ी को। भाई साहब क्या स्पीड से चल रही भाई, सुपर कार है भाई, फॉर्चुनर तो भाई कहीं नहीं लगती इसके भाई। बट यार गाड़ी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो गाइस सर तुम लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो चलिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।